देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाकर के आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को भेजने के लिए दीदी को बधाई बाद में देता हूं, मैं आपका सबका पहले अभिनंदन करता हूं। और अमेठी की सांसद बनने पर मैं पूरी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी, भारत सरकार की सम्मानित मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है अमेठी लोकसभा का सूखा सदा सदा के लिए अब समाप्त हो गया है, ऐसा आप मान करके चलें, क्योंकि आज मैं अभी देख रहा था कि 23 मई को तो रिजल्ट आया है, आज कौन सी तारीख है, तो अभी 23 मई मैं कह रहा था सपा बसपा कांग्रेस गई, लेकिन 23 मई के बाद अभी 23 जून नहीं आया, आज 22 जून है। एक महीने के अंदर एक तो बहुत दुखद घटना, हमारे बहादुर समर्पित कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के बाद दीदी जी का उस समय आगमन तत्काल हुआ था, वह एक दुखदायी घटना है। उसके बारे में बस इतना ही कह सकता हूं कि जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और कार्यकर्ता का सम्मान जिस स्तर पर भी, जहां पर भी, जिस प्रकार से भी किया जा सकता है वह शुरू करने का काम किया। वह दुखद घटना बीच में हो गई और आज एक महीने के अंदर विकास की अनेक परियोजनाओं के साथ आपकी लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार की मंत्री यहां पर आई हैं। मैं सांसद बनने पर, भारत सरकार की दूसरी बार मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उनका कार्यकाल यशस्वी होगा ऐसा विश्वास रखता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री हमारे मित्र मोहसिन रजा जी, सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जिनके अथक प्रयास सहयोग से, और हमारे दूसरी विधायक आदरणीय गरिमा सिंह जी, आप सब ने अथक प्रयास किया, इसके कारण इतना बड़ा परिणाम मिला। मंच पर हमारे दोनों क्षेत्र के संगठन के महामंत्री, जो हमारे क्षेत्रीय महामंत्री हैं, अशोक चौरसिया जी, काशीनाथ तिवारी जी, श्री जंग बहादुर सिंह जी पूर्व मंत्री, हमारे आदरणीय गजाधर सिंह जी पूर्व विधायक, दुर्गेश त्रिपाठी जी हमारे जिलाध्यक्ष, डॉक्टर राम मनोहर मिश्र जी जिलाधिकारी, हमारे विकास अधिकारी प्रभुनाथ जी हमारे साथी, और यहाँ संगठन की ओर से प्रभारी।